अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद फ्रॉम जीएम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो मेरे पास वीवो का Y33s मोबाइल फोन यूज़ में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको इसकी जो मार्केट की प्राइस चल रही है सेकंड हैंड की बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखना, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल हमारा लाजमी सब्सक्राइब कर लें और रिंग बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये मेरे पास मोबाइल है, मिरर ब्लैक कलर में अवेलेबल है, 8GB प्लस 4GB जो है इसकी एक्सटर्नल रैम है, 128GB जो इसकी स्टोरेज है, 1 जो है ये सेट डिवाइस यूज है और कलर्स का बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कुछ टाइम पहले जो है लॉन्च हुआ है मार्केट में ये वीवो का नया मॉडल, और काफ़ी बिक रहा है, सेल हो रहा है, डिमांड भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो सबसे पहले आपको मैं इसकी एक बार कंडीशन चेक करवा देता हूँ। बैक इसकी साफ़ है, इतने कोई निशान वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, 10x10 कंडीशन आप कह सकते हैं बैक से। साइड रिंग भी जो है बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म के निशान नहीं मिलेंगे। पीछे जो है जेली प्रोटेक्टर जो है इंस्टॉल हुई है, जिसकी वजह से बैक जो है मोबाइल की साफ़ रहती है। तो जब भी आप न्यू फ़ोन लिया करें तो पीछे मोबाइल पर जेली लगवा लिया करें, ट्रांसपेरेंट जेली होती है शीट, उससे ये होता है कि आपके मोबाइल पर किसी किस्म के नीचे निशान नहीं पड़ते। बाद अवकात पाउच से जब डस्ट जाती है तो वो निशान पड़ जाते हैं, 2-3 महीने बाद आपका मोबाइल काफ़ी रफ हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप सेल करने जाते हैं तो उसकी वो कीमत लगती नहीं है जो लगनी चाहिए। तो जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो काइंडली जेली लाजमी लगवा लिया करें, ताकि आपको इस तरह का मसला ना आए करे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा आपको, फ्रंट पे भी ओरिजिनल शीट लगी हुई है वीवो की, किसी किस्म के निशान नहीं है। ओके, 10x10 कंडीशन में फ़ोन है ये। और एक माह जो है ये मैंने बताया डिवाइस जैसे कि यूज है, फिंगरप्रिंट मैंने लगाया हुआ इसका वर्कर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। फेस अनलॉक भी जो इसमें है वो भी बिल्कुल मिल जाता है आपको, वर्क करता है वो भी। सबसे पहले आपको एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन बताना चाहूँगा, 6.5 इंचज जो है इसका आपको स्क्रीन साइज मिल जाता है। बाकी अबाउट फोन में आके आपको मॉडल वगैरह डिटेल चेक करवा देता हूँ। 8+4GB जो आपको इसमें एक्सटेंडर रैम मिल जाएगी, 128GB इसकी स्टोरेज है, एंड्रॉयड वर्जन आपको जो है इसमें 11 मिल जाता है। फ्रंट आपको जो है सिंगल कैमरा मिलता है 16MP का वाइड एंगल के साथ, बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है 50MP वाइड एंगल प्लस 2MP आपको मैक्रो कैमरा मिलता है, और प्लस 2 जो है आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। साइड माउंटेड जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, IPS इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है, चिपसेट जो है इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो मिल जाएगा G80 का, और 5000mAh की बैटरी मिल जाती है इसमें आपको, 18W के साथ फास्ट सपोर्ट चार्जिंग करता है। न्यू की जो इस वक्त कीमत है 39,999 है, डिस्काउंट होके वो आपको डिस्काउंट हो जाता है इसमें। तो ये मेरे पास जस्ट 1 जो है यूज है, और इसकी जो प्राइस है इस वक्त 33,000 रुपये इसकी प्राइस है। बाकी फ़ोन अच्छी कंडीशन में है, हर चीज़ जो है प्रॉपर वर्क कर रही है, किसी किस्म का मसला वगैरह नहीं आएगा। कैमरे वगैरह भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ, इसमें जो कैमरे वगैरह इसमें जो ऑप्शन आ रही हैं, नाइट की ऑप्शन आ रही है, पोर्ट्रेट की आ रही है, फोटो की ऑप्शन मिल जाएगी, वीडियो में आएंगे, मोर में आएंगे तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगी। 50MP की आपको मोर के अंदर ऑप्शन मिलती है, लाइव फोटो की ऑप्शन मिल जाती है, और स्लो मोशन मिल जाता है आपको मोर के अंदर। बाकी मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए, आपको रिजल्ट चेक करवा देता हूँ। अच्छा कैमरे का रिजल्ट है इसका, अगर आप बात करते हैं 16MP के हवाले से तो रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। ये इसके फ्रंट कैमरे की पोर्ट्रेट पिक्चर है, ये भी फ्रंट कैमरे से ली हुई पिक्चर, लेकिन ये पोर्ट्रेट के बगैर ली हुई है। कैमरा रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा है, ये इसके जो है बैक कैमरे का रिज़ल्ट है, 50MP कैमरे का रिज़ल्ट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी क्लियर पिक्चर आई है, और कलर्स वगैरह काफ़ी जो है प्रोमिनेंट हैं, और अच्छे कलर्स वगैरह आ रहे हैं आपके सामने। ये इसके जो है पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर है, बैक कैमरा इसमें 15MP का दिया हुआ 50 का, और काफ़ी अच्छा जो है इसका कैमरा का रिज़ल्ट है, कलर वगैरह काफ़ी आपको अच्छे मिलते हैं इसमें देखने को। ये इसकी नॉर्मल पिक्चर है पोर्ट्रेट के बगैर। कैमरे क्वालिटी और यूजेज के लिहाज से डिवाइस काफ़ी अच्छी है, और इतनी भारी फ़ोन नहीं है, वेट नहीं है फ़ोन का, 1 हैंड इसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं आएगा आपको उसमें। और आजकल काफ़ी डिवाइस जो है इस जो कि मार्केट में सेल हो रही है, Y33s जो है इसका मॉडल है। बाकी इसमें जो है आपको सेटिंग में आएंगे तो इस तरह से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, डिस्प्ले में आएंगे तो आपके सामने आई प्रोटेक्शन मिल जाएगा, डार्क थीम की ऑप्शन मिल जाएगी यहाँ से आपको। गेमिंग के लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है, इतना आपको ये गेमिंग के लिहाज से नहीं होगा जिस तरह गेमर्स आजकल डिमांड करते हैं मोबाइल में, तो उस लिहाज से ये नॉर्मल डिवाइस आपको मैं कह सकता हूँ। डिस्प्ले में आपको फुल HD+ मिल जाएगा रेजोल्यूशन 1080 का, और 406 PPI है इसके, IPS जो है इसमें डिस्प्ले मिल जाता है आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको बताना चाहूँगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपकी यहाँ से मैं चेक करवा देता हूँ जहाँ तक ये सपोर्ट करता है। 1080 तक जो है वीडियो रेजोल्यूशन ये दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 1080 तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो ये 30 FPS पे आपकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, 60 FPS में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वरना यहाँ ऑप्शन आ रही होती है। तो ये आपको 1080 के साथ जो है 30 FPS तक जो है सपोर्ट करेगा वीडियो, उस लिहाज से भी ठीक है अगर आप प्राइस रेंज की बात करते हैं। और ओवरऑल कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है मोबाइल की, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है आपको इसमें, 18 वॉट के चार्जर के साथ फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। ये आपको गूगल ड्राइवर मिल जाता है, तो फ़ोन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। 11 माह वारंटी है इसकी और बॉक्स मेरे पास अवेलेबल है इसका। बॉक्स में जो सामान है वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। इसमें आपको पता कि हैंट्री भी मिल जाती है, टाइप सी आपको जो है इसमें केबल मिल जाएगी, ओरिजिनल वीवो की आपको टाइप सी केबल मिल जाती है, ओरिजिनल आपको ये वीवो की हैंट्री मिल जाएगी। सामान जो है कंप्लीट बॉक्स में सामान है इसका। ये पिन मिल जाती है, सिम इंजेक्टर टूल मिल जाएगा आपको, और ये आपको इसमें 18 वॉट का जो है वीवो का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो चार्जिंग का भी इतना इशू नहीं आ रहा आजकल, जितने मोबाइल आ रहे हैं कम से कम उनमें 18 वॉट फास्ट चार्जिंग आ रही है। जो 30+ आ रहे हैं, 30,000 से ऊपर जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर में 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो फास्ट चार्जिंग में इतने चार्जिंग में इशू नहीं आता जिस तरह पहले के टाइम में आता था। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में प्राइस मैंने आपको बता दिया, जो भी कस्टमर परचेज़ करना चाहते हैं वो मुझे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना इस वीडियो का जो लिंक है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का दोनों का लिंक वहाँ पर लग दूंगा, शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GM Tech।